एकदम सिंपल सा स्केच आप नरेंद्र मोदी जी का किस तरह से बना सकते हैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे, इस तरह से एक स्क्वायर। जब हो जाता है स्क्वायर को हम इस तरह से एक लाइन से डिवाइड करेंगे और इस तरह से पूरा स्क्वायर को हम डिवाइड कर लेंगे। जब हो जाता है उसके ऊपर हम जहाँ जहाँ पर प्लेसमेंट होगा, मतलब नोज़ कहाँ पे होगा, आइज़ कहाँ पे होगा, जो प्लेसमेंट है उसका एक रफली आउटलाइन हम इस तरह से बना लेंगे। जब हमारा ये रफ स्केच कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करेंगे। अभी आता है डिटेलिंग की बारी। जहाँ जहाँ पर हमने रफली आउटलाइन किया था उसको हम अच्छे से, मतलब डिटेलिंग पर बनाएंगे। पहले हम आइज़ बनाए थे ऐसे ही बनाया था, तो अभी हम थोड़ा सा ऐसे ही नहीं बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको हम अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व करके जहाँ जहाँ पर होगा उसी जो हमने पहले रफली आउटलाइन बनाया था उसको हम एज अ गाइडलाइन इस्तेमाल करके जो हमारा मोदी जी का ड्राइंग है उसको हम इस तरह से बनाएंगे। और ड्राइंग करते करते आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो डिटेलिंग भी हो गया, आउटलाइन रेडी हो चुका है, तो इसके ऊपर हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं हैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। हैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके जो शेडिंग है उसको कंप्लीट करूँगा। ज़्यादा यहाँ पर मैं आपको सिखाने की कोशिश तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा कोई इतना मेरा वीडियो नहीं देखता है, तो इसलिए बस ऐसे ही इसको हम स्पीड अप करके दिखा देंगे। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कलर भी कर सकते हो, और अगर आप ये ड्राइंग करो तो मुझको आप इंस्टाग्राम पर भी टैग करना। तो यहाँ पर हमारा मोदी जी का ड्राइंग बनके रेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।